वैशाली जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी किसान सलाहकार एवं पैक्स अध्यक्षों के साथ जिले में धान अधिप्राप्ति के संबंध में समीक्षात्मक बैठक की गई। वैशाली जिला पदाधिकारी द्वारा विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान हाजीपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा संस्थान में आवासित बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, साफ सफाई, खान पान एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त किया गया। वैशाली महुआ में इन दिनों इलाके के किसानों को नीलगाय के आतंक से जूझना पड़ रहा है। झुंडों में आकर नीलगाय फसलों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ठंड के कारण किसान जहां रखवाली करने में मुस्तैद नहीं रह पा रहे हैं, जिसका लाभ नीलगाय उठाने में लगे हैं। मोतिहारी, ठंड बढ़ने के साथ इस मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस समय सर्दी, जुकाम के अलावा दस्त की भी शिकायत होती है। सर्दी के मौसम में होने वाली दस्त को कोल्ड डायरिया के नाम से जाना जाता है। ठंड के दिनों में छोटे बच्चे भरपूर मात्रा में पानी नहीं पीते, साथ ही उन्हें सर्दी जुकाम हो जाता और वे कोल्ड डायरिया की चपेट में आ जाते हैं। समय से कोल्ड डायरिया का प्रबंधन नहीं होने से बच्चे सुस्त पड़ जाते हैं, यह उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। वैशाली नगर पंचायत कार्यालय महुआ में नगर अध्यक्ष कौशल्या देवी द्वारा सभी सफाई कर्मी को पहचान पत्र एवं पीएफ खाते में पैसा भेजा गया। मौके पर नगर पार्षद अरुण सिंह, तौकीर सैफी, सिराज अहमद, एनजीओ प्रताप सेवा संकल्प के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह, मृत्युंजय सिंह, राम प्रवेश राम, रामेश्वर राम, सफाई पर्यवेक्षक सुनील कुमार, प्रधान लिपिक वीर चंद्र कुमार, मिथिलेश कुमार उपस्थित थे। पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया राजधानी जलाशय का भ्रमण, इनके साथ में मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। वैशाली जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने हाजीपुर शहरी क्षेत्र अंतर्गत यातायात एवं विधि व्यवस्था संधारण के संबंध में हुआ बैठक। पनबिजली उत्पादित कर रहा बिहार राज्य जल विद्युत निगम BSHPC सोलर बिजली का भी उत्पादन करेगा। राज्य सरकार के अनुरोध पर कंपनी रजिस्ट्रार ने इसकी अनुमति दे दी है। पनबिजली निगम अभी वहीं से सोलर बिजली का उत्पादन करेगा जहां मौजूदा समय में पनबिजली इकाइयां हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखने के लिए NR इंडिया न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें। धन्यवाद।